अपना पीटी टेस्ट बुक करवाएं आधे पैसों में और 50 परसेंट ऑफ में आप पीटी बुक करवा सकते हैं असलम वेलकम टू अनर वीडियो आई अहमद वन ऑफ द आल्स एंड पी डी इंस्ट्रक्टर एट एरीफाई ग्रूप ऑफ कंपनीज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत uh, एक कामन स्कैम आजकल जो चल रहा है वो पी टी के टेस्ट बुकिंग से रिलेटेड चल रहा है जिसके अंदर uh, कोई इंडिविजुल्स uh, या ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम करते हैं कि वो आपका टेस्ट जो है वो फिफ्टी परसेंट ऑफ पे बुक करवा देंगे uh, या फिर आधे पैसों में वो आपका टेस्ट बुक करवा देंगे एंड आई हैव सीन सम पीपल फॉलोइंग फॉर दिस अब होता क्या है कि ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वो लोग जो कि आपको ये क्लेम कर रहे हैं वो कोई फ़ेक मेथड यूज़ करते हैं पेमेंट का या फिर फे, फेक क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करेंगे या फिर कोई इलीगल तरीका यूज़ करेंगे जिसकी वजह से उनके एंड पर कोई नुकसान नहीं होने वाला लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है उसके साथ अब फ़र्क किस तरह से पड़ सकता है एक दो चीज़ें इसमें ये हो सकती हैं सबसे एक तो ये कि हो सकता है कि वो आपका टेस्ट बुक करवाने के बाद अपनी पेमेंट रिफंड कर लें या फिर जिस मैथड्स उन्होंने करवाया वो एलिजिबल ना हो और आप जब टेस्ट देने जाएँ तो वो आपको टेस्ट में बैठने ना दें तो इसका नुकसान सारा आपके सर पड़ेगा उनका कुछ नहीं जाएगा अगर आपको टेस्ट में कंडक्ट नहीं होने देंगे तो आपके ऑलरेडी वो जो 50 परसेंट भी जो आपने जमा करवाया वो भी ज़्यादा जाया जाएगा और आप टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे अपनी डिजायर डेट पे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये आ सकती है कि अगर पीयसन वालों को इस तरह से इसके ऊपर मसला हुआ जो कि उन्हें होगा भी तो वो आपकी कैंसलेशन भी कर सकते हैं और आपको बैन भी कर सकते हैं तो उस केस के अंदर आप दोबारा कभी भी पीटी एग्जाम नहीं दे पाओगे तो फिर आपको दूसरे एग्जाम्स की तरफ जाना पड़ेगा और ये ना सिर्फ एक एक्स्ट्रा हैसल है बल्कि ये आपके एन के ऊपर आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक बहुत कह लें बैड इंप्रेशन भी डालेगा और आपके पैसे भी ज़ाया करवाएगा तो अब अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप देखें एक्यूरेटली कि इसकी इसकी एक्चुअल प्राइस क्या चल रही है जो कि पीटी की वेबसाइट के ऊपर प्राइस दिया गया है उसी पे आपका टेस्ट बुक हो सकता है और उसके अलावा और कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है इसकी फ़ी को कंफर्म करने का और अगर लट से आपको ख़ुद बुक करने में दिक्कत आ रही है तो फिर आपने ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बुक करवाना है जिसके पास उनका ऑफिशियल पोर्टल हो जैसे कि एर के पास पी का ऑफिशियल पोर्टल है और हम उसी उन्हीं पैसों के ऊपर टेस्ट बुक करवाते हैं जो कि उनकी वेबसाइट पर मैंशन हैं और हम स्टूडेंट से वही पैसे चार्ज करते हैं और इसके अलावा पोर्टल होने का फ़ायदा ये होता है कि वो टीम जिनके पास पोर्टल होता है वो पी वालों के साथ इन टच रहते हैं और उनके जो पी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो इन केस स्टूडेंट को अगर कोई मसला आता है या उन्हें रिसकेजल करवाना होता है या फिर किसी वजह से रिफंड करवाना होता है तो इस किस्म की जो ई हैं वो जिनके पास पोर्टल होता है वो सेंड कर सकते हैं अपने बिहाफ़ पर और वो अपने स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा उस कह लें कि उनको डिफेंड कर सकते हैं या उनके लिए फैसिलिटे फिलटेशन का एक बायस बन सकते हैं दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा कंफर्म ज़रूर अपने एंड पर आप ज़रूर इसको कंफर्म करें और बुक करवाते हुए ख़ुद करवाएं या तो या फिर अगर, अगर आप करवा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग ऑल द ऑल ऑल द नॉर्म्स ऑफ इट आप कहीं पर भी किसी और पर इंटायरली रिलाई नहीं कर रहे हैं राइट right? अब हो क्या रहा है कि अब जो जो पोर्टल्स हैं उनमें भी वो आपसे नॉर्मली या तो कार्ड से पे कर रहे हैं या वो आपसे कैश डिमांड करते हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे कर रही है तो आप हो सकता है कि वो अपने कार्ड से पे करें और आप उनको कैश की फॉर्म में दे रहे हो तो पहले आप उनसे इंक्वायर कर लें कि क्या उनके पास ऑफिशियल पोर्टल है कि नहीं है और फिर आपको अगर प्रॉपरली ई आ रहा है उस टेस्ट की बुकिंग के बाद सो दैट्स एन अदर साइन दैट योर टेस्ट इज़ बीइंग बुकड और उसके बाद अगर आपके उतने ही पैसे कट रहे हैं जितने uh, मेंशन हैं तो वो भी आपने कंसिडर करना है इसके अलावा एक और चीज़ जो जिसका आपने ख्याल रखना है वो है कि थोड़े से टैक्सेज भी एक्स्ट्रा कटते हैं ऑब्वियसली जब आप पेमेंट करते हैं तो अगर पी टी की वेबसाइट पर टू फिफ्टीन डॉलर्स है तो समट जब आप उसकी पेमेंट करोगे तो फ़ी का कोई आ, उसके कुछ परसेंटेज होती हैं जिसकी जो कि एक्स्ट्रा कटता है आ, जो कि आपके टैक्सेज होते हैं तो आपका हमेशा उस मैंशन प्राइस से थोड़े से ज़्यादा ही पैसे कटेंगे तो अगर आपको कोई लेट से आज कल अगर सिक्सटी एट थाउजेंड के करीब अगर टेस्ट बुक हो रहा है और आपको कोई कहता है कि वो आपका थर्टी एट थाउजेंड में या थर्टी थाउजेंड में बुक कर देगा तो वो टोटल आपके साथ एक धोखा होगा और हो सकता है कि बुक करवाने के बाद आपके वो तीस हज़ार भी ज़ाया हों और जो आप जा रहे हैं वो भी ना हो सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस दिस इज़ अ टोटल फेक थिंग दिट इज़ विच इज़ गोइंग ऑन एंड डू नॉट फॉल फॉर दिस चाहे आपको कोई कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे आपने ये 50 परसेंट वाले डिस्काउंट के जो चक्कर है इसके ऊपर इसमें नहीं गिरना एंड मेक श्योर यू आर ऑलवेज़ चेकिंग व्हाट इज़ दियन एक्यूरेट प्राइस व्हिच इज़ मैंशन ऑन द पी वेबसाइट ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप सिर्फ पी टेस्ट ऑफ़ इंग्लिश लिखेंगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और बुक कर टेस्ट करके आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर इस वक्त करंट आपके कंट्री और आपकी सिटी में जो पेमेंट है वो किस कितनी आपको रिक्वायर्ड होगी फॉर द पीटी एकेडमिक Uh, I hope this was helpful. Uh, thank you so much for watching this video. If you have any uh, problem in booking your PT or IELTS test, you know, feel free to out, reach out to Edify Group of Companies because we do have the portals and we can clarify all the ambiguities in this regard. Thank you so much. I love this. <music>